सुबह में दुर्गा पूजा, दिवाली से लेकर छठ पूजा तक पुलिस प्रबंधन ने अपना काम पूरा कर लिया है। इनमें वारंटियों की धरपकड़ समेत असामाजिक तत्वों पर दबिश डालना शामिल है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है। देखिए रिपोर्ट। त्योहारों का सीजन हुआ शुरू, पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता, वारंटियों के घर पकड़ के निर्देश, असामाजिक लोगों को पकड़ने के निर्देश। आने वाले पूरे महीने कोई ना कोई पर्व त्योहार है, विशेषकर दुर्गा पूजा है। इसी बीच 19 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी भी है, फिर दीपावली और उसके बाद छठ, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने तमाम सभी जिलों के कप्तानों को सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश जारी कर दिया है। रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया और अन्य जो सेंसिटिव पुराने जो ऐसे जिले रहे हैं सेंसिटिव, उनमें जो रैपिड एक्शन पुलिस है उसकी भी तैनाती की गई है। साथ साथ एसपीज को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स है, कम्युनली सेंसिटिव स्पॉट्स है, उनमें सीसीटीवी और अन्य जो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ये है सर्वेलांस सिस्टम्स है उनको भी यूज़ करेंगे। अपील्स भी पुलिस के माध्यम से लगातार जारी की जा रही है और जिला प्रशासन के साथ में समन्वय बनाकर जो सभी स्पॉट्स पर मैजिस्ट्रेट इत्यादि की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। तमाम पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी हुआ है कि वारंटी लोगों की तुरंत धर पकड़ करे, असामाजिक तत्वों को तुरंत पकड़े और जेल भेजे। संवेदनशील और सांप्रदायिक दृष्टि से बदनाम कुछ जिले जैसे हजारीबाग, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, जमशेदपुर और बोकारो में रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्गा पूजा, दशहरा और आगे वाले जो आने वाले सभी त्यौहार है उसके लिए पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को और उनके पूरे टीम को इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी दिए गए हैं। सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें की गई है, लोगों के साथ में समन्वय बैठकें की गई है। साथ ही साथ जो सेंसिटिव स्पॉट्स है या जो वैसे जगह है जिनमें पूर्व में डिस्टर्बेंसेस रिपोर्ट किए थे, उन सभी जगह का मैपिंग किया गया है और उनमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। हालांकि इस बार मेले लगाने की अनुमति नहीं है, फिर भी पंडालों में जो मूर्तियां लगेंगी तो लोग पंडाल भ्रमण के लिए निकलेंगे। पिछले साल भी पंडाल भ्रमण के लिए लोग घरों से बाहर निकले थे और पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजेश तिर्की के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।